आज मैं शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी मसालेदार प्रॉन करी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम अलका। आप ये प्रॉन की करी चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको साइड डिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रॉन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक टमाटर, दो प्याज और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का जिंजर और 2 ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया पत्ता ली हूँ। टमाटर की फाइन पेस्ट बना देंगे और जिंजर गार्लिक लहसुन को मैं उखली की सहायते से क्रश कर दूंगी। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं और ग्राइंड करने के टाइम पानी मत यूज कीजिएगा। अब कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है, अभी फ्लेम ऑन है और 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। मस्टर्ड ऑयल अच्छा फ्लेवर लाती है। अब मैं 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, सूखी मिर्च और 2 इलायची ऐड कर दे रही हूँ। इसको 1 मिनट के लिए सौते कर देंगे। उसके बाद मैं 1 टीस्पून ऑफ जीरा ऐड कर दिया है, जीरा को भूनने देंगे। लहसुन अदरक और चिली की जो ददरा पेस्ट बनाई थी उसको ऐड कर दे रही हूँ, इसको 1 मिनट के लिए भूनने देंगे। फ्रेंड्स, लहसुन की अमाउंट ज़्यादा रखनी है ताकि प्रॉन की ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आती है, ये टिप्स ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अब मैं प्याज को ऐड कर दे रही हूँ। प्याज को मीडियम फ्लेम में लाइट ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे। प्याज थोड़ा भूनने के लिए टाइम लगती है, 3 से 4 मिनट लग जाती है। अब प्याज लाइट ब्राउन कलर में आ चुकी है। अब मैं इसी स्टेज में 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। इसी स्टेज में ऐड करने से ग्रेवी की टेक्सचर एंड टेस्ट बहुत ही अच्छा आती है। अब मैं टमाटो प्यूरी को ऐड कर दिया और टमाटो को अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा जो बचा था उसको भी ऐड कर दिया पानी ऐड करके ताकि वेस्ट ना जाए। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि टमाटर को जल्दी पकने के लिए मदद करेगी। अब हम ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम में। 2 मिनट के बाद मैं होममेड भुना हुआ 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया, देन 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, देन 1 टीस्पून ऑफ फिश करी मसाला ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से मसाले को टमाटर से मिक्स कर देंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे अच्छे से मसाला और टमाटर पकने के लिए। अब आप देख सकते हैं कैसे ऑयल छूटने लगी है मसाला से, इसका मतलब मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं बिना ढक्कन लगा के मीडियम टू हाई फ्लेम में मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भूनने दूंगी। मसाला अच्छे से पक गई है। अब मैं प्रॉन को ऐड कर दे रही हूँ। प्रॉन को मैंने थोड़ा हल्दी और नमक से मैरिनेट करके रख दिया था। प्रॉन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि मसाला प्रॉन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रही है मसाला और प्रॉन के साथ। अब इसी स्टेज में मैं 1 ग्लास पानी ऐड कर दे रही हूँ। आप अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सेमी ग्रेवी रख रही हूँ इसलिए 1 ग्लास पानी काफ़ी है। अब मैं 7 से 8 मिनट तक छोड़ दे रही हूँ प्रॉन को अच्छे से कुक होने के लिए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं प्रॉन अच्छे से भी कुक हो गई है। तो ऑलमोस्ट हमारा ग्रेवी रेडी हो चुकी है, लेकिन फाइनली हमको थोड़ा अच्छा फ्लेवर ऐड करनी है, इसलिए मैं कसूरी मेथी लीव्स को हाथ से मसल के ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से गरम मसाला और कस्तूरी मेथी की फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सो फाइनली हमारा प्रॉन मसाला करी रेडी हो चुकी है।
फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बनती है और आप ये देख सकते हैं प्रॉन भी अच्छे से कुक हो गई है। थोड़ा धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स फाइनली टेस्टी मज़ेदार मसालेदार प्रॉन मसाला ग्रेवी इज रेडी टू बी सर्व्ड। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आप मेरे प्रोसेस फॉलो करके प्रॉन करी बनाइए और बताइए आपको ये प्रॉन करी की टेस्ट कैसी लगी, ताकि मुझे भी पता चले मेरी रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं। जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।